हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कढ़ाई पनीर की रेसिपी। और कढ़ाई पनीर का मसाला भी हम इसी रेसिपी में तैयार करेंगे। तो चलिए हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई पनीर का मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसे लो मीडियम फ्लेम पर रखा है। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून साबित धनिया, इन दोनों को पहले हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। बट ध्यान रखिएगा, फ्लेम को आप लो मीडियम रखें ताकि आपके ये मसाले हैं वो जल ना जाएं। और उसके बाद मैं कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ, तो मैंने ये साबित लाल मिर्च ये 3 ली हैं, और एक बड़ी इलायची का टुकड़ा और एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बादियान का फूल। और मैं यहाँ 4-5 लौंग और 4-5 जो हैं वो काली मिर्च, और 1 टीस्पून मैं इसमें सौंफ ऐड करूँगी। और इन सबको अब मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। आप देख सकते हैं अब इन साबित मसालों का कलर भी चेंज हो रहा है और मेरे पूरे किचन में एक अच्छी सी खुशबू हो गई है। अब यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अब जो हमारे साबित मसाले रोस्ट हो चुके हैं, उन सबको मैं एक बाउल में डाल रही हूँ ताकि ये ठंडे हो जाएं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इनका एक पाउडर बना लेंगे। मसाला ठंडा हो चुका है, अब मैं ग्राइंडर में डालकर एक दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। और देखिए, इस तरीके से हमारा एक ज़बरदस्त सा कढ़ाई पनीर का मसाला तैयार हो चुका है घर पर, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। अब हम आगे के स्टेप्स करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और 3 चम्मच जो है मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसे थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे मीडियम हीट पर। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर ली है। ये मलाई पनीर है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसे हम आराम से आस्था से इसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे। और जो हमने मसाला तैयार किया है कढ़ाई पनीर का, वो हम इसमें थोड़ा सा यूज़ करेंगे। बाकी का मसाला जब हम कढ़ाई पनीर बनाएंगे तो उसकी ग्रेवी में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं तकरीबन 2 टीस्पून में यूज़ करूँगी मसाला। इसके अलावा मैं और कुछ मसाले भी ऐड करूँगी, जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून में लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो आप अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से कोट किए हुए मसाले बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब सारे पनीर के पीसेस पर एक अच्छी मसालों की कोटिंग आ चुकी है, तो अब हम इन सबको निकाल लेंगे। अब हम सेम ही ऑयल में शिमला मिर्च को भी फ्राई करेंगे। तो ये ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, हमें शिमला मिर्च को इसी में ही फ्राई करना है ताकि उस पर भी अच्छी सी मसालों की एक कोटिंग आ सके। तो मैंने यहाँ 1/2 शिमला मिर्च ली है। अभी शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी है, इसे भी निकाल लेंगे। और उसी हम सेम ही ऑयल में अब इस प्याज को भी हम फ्राई करेंगे ताकि इस पर भी जो बचे हुए इसमें मसाले हैं उसकी कोटिंग आ सके। तो आप देख सकते हैं इस पर भी, ये देखें, कलर आ रहा है, दैट मीन्स इसमें भी मसाले अभी हैं। तो हम इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें ज़्यादा इसमें फ्राई नहीं करना, इसे आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल नरम ना करें। और प्याज को मैंने चकोर टुकड़ों में काटा है। अब प्याज भी फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। अभी हमारी सारी फ्राइड चीज़ें तैयार हैं, जिसमें पनीर है, शिमला मिर्च है और प्याज है। और देखिए, पनीर पर कितनी ज़बरदस्त सी मसालों की कोटिंग आ चुकी है, और सेम एज़ प्याज पर भी आई है और शिमला मिर्च पर भी। तो दोस्तों, प्लीज़ ये स्टेप मिस ना कीजिएगा, मसालों की कोटिंग बहुत ही ज़रूरी है।
और दोस्तों कंजूसी को बरकरार रखते हुए हम सेम ही पैन में एक टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे और अब हम ग्रेवी का मसाला तैयार कर रहे हैं। तो फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है, कुछ मैंने लौंग ली हैं और यहाँ मैंने एक प्याज ली है, छोटी प्याज, उसे मैंने इसे रफली काट लिया है और उसे हम हल्का सा इसमें फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसमें मैंने कुछ अदरक और लहसुन इसमें मैं डाल रही हूँ। अदरक और लहसुन, अदरक का मैंने एक छोटा सा पीस लिया था और लहसुन मैंने तकरीबन 7 से 8 जो हैं वो लहसुन के मैंने जो है लिए थे। और यहाँ हरी मिर्ची जो है वो मैंने डाली है क्योंकि मेरी लाल हो चुकी है हरी मिर्ची। तो आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना तो आप हरी मिर्ची इसमें ना डालें क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं तो इसमें अब मैं 2 अदद टमाटर जो हैं उसके मैंने रफली ऐसे पीसेस कर दिए हैं तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसमें 3-4 अदद काजू और 1 चम्मच के करीब 4 मगज डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसे ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए पका लूँगी। और ये देखिए 2 मिनट बाद हम चेक करते हैं और टमाटर वगैरह भी नरम हो गए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं ये नरम हो चुके हैं। और अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इन सबको हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। और जैसे ये ठंडा होगा हम इसे ग्राइंड कर देंगे। जिस बर्तन में मैंने मसाला तैयार किया था उसी सेम ही बर्तन में मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ और इसे मैं थोड़ा गर्म होने दूंगी। यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अब मैंने जो टमाटर प्याज वगैरह का जो मिक्सचर तैयार किया था उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये देख सकते हैं आप इस तरीके का ये पेस्ट बना है। अब मैं इसे उन मसालों में ऐड कर दूँगी और अच्छे से चम्मच चला लूँगी, इन्हें मिक्स कर लूँगी। जैसे ही इस मिक्सचर में एक उबाल आएगा तो जो हमने कढ़ाई मसाला अभी रेडी किया था वो हम इसमें डाल देंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, 2-3 टीस्पून, उसके बाद मैं देखूँगी कि ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं लग रहा तो फिर बाकी का जो बचा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जिस बर्तन में मैंने ये पेस्ट तैयार किया था जिस मशीन में तो उसी में मैंने पानी डालकर इसमें ऐड कर दिया है ताकि उसमें जो भी बचा हुआ कुछ मसाला हो तो इसमें आ जाए। पानी डाल लेने के बाद मैं इसमें हसबे जायका नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं और मैंने इसे ऑलरेडी चख लिया है, इसमें ज़्यादा मसाले की अब ज़रूरत नहीं है तो अब हम इसमें मज़ीद कढ़ाई मसाला नहीं डालेंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीब क्रीम ऐड कर रही हूँ। आइडियली कढ़ाई पनीर में क्रीम नहीं जाती है मगर अगर आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर 4 मिनट के लिए पका लूँगी। 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए एक अच्छा सा कलर इसमें आ गया है। अब हम इसमें थोड़ी कसूरी मेथी ऐड करेंगे।
कसूरी मेथी बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है कढ़ाई पनीर में, या पनीर की कोई भी सब्ज़ी बनाए तो कसूरी मेथी बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। और इसके बाद में जो शिमला मिर्चें और प्याज जो है जिसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हमारा ये मज़ेदार सी मसाला कोटेड पनीर, और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप सिर्फ़ ये पनीर भी खा सकते हैं जो मसाला कोटेड हमने बनाई है। तो इन सबको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैं आपको बताती चलूँ, मैंने यहाँ मलाई पनीर इस्तेमाल की है, तो आराम से मैं इसे मिक्स करूँगी ताकि हमारी पनीर जो है उसका शेप ख़राब ना हो। और अब मैं ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी ताकि पनीर अच्छे से मैरिनेट हो जाए इस ग्रेवी में। दो मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन हटाकर इसे चेक करते हैं। तो देखिए कलर मज़ीद अच्छा हो गया है और हमारी ग्रेवी भी थिक सी लग रही है। कढ़ाई पनीर आलमोस्ट रेडी हो चुकी है, अब मैं इस सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, कढ़ाई पनीर बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसे सर्व करते हैं, एक सर्विंग बाउल में मैं डालूँगी। और ये देखिए आज की हमारी कढ़ाई पनीर का फाइनल लुक। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।